चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेटा मैं बाजार जाकर आती हूँ, घर का थोड़ा ध्यान रखना और भैया को भी पढ़ने बिठा देना। माँ मैंने पहले भी कितनी बार बोला है आपको। क्या? मैं बेटी हूँ तो बेटी कहा करो, बेटा बेटा मत कहो। अच्छा बाबा आगे से ध्यान रखूंगी, बस वो थैली दे देना, मैं बाजार से सब्जी भी लेती आती हूँ। और हाँ आपने अपना मोबाइल और पर्स लिया क्या? हाँ हाँ सब कुछ ले लिया है मेरी दादी, देख। सब नहीं लिया है, देखो पहले आपका मास्क कहाँ है, सैनिटाइजर कहाँ लिया? अरे बाबा क्या करती हो, क्या हो गया इसमें? अभी पास में जाके आती हूँ, आधे घंटे में वापस आ जाती हूँ। क्या कहा, आधा घंटा? हाँ और आप तब तक बिना मास्क के रहोगी? आपको पता भी है कुछ सेकंड से भी कम समय में कोरोना वायरस हमें लग सकता है, और आप है कि बिना मास्क और सैनिटाइजर के बाजार जा रही हो। वाह, अरे कितने लोग हैं जो ना मास्क लगाते हैं ना सैनिटाइजर लगाते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता है। कितने ही लोग हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइजर नहीं लगाते हैं। अच्छा। वो उनकी लापरवाही और अकड़ से तो आजकल आंकड़े इतने बढ़ रहे हैं और कोरोना वायरस भी बहुत फैल रहा है। रहने दे, ये सारी बातें शहर वालों और अमीर लोगों के चौसले हैं, हम गरीब लोगों और गांव वालों को कुछ नहीं होता है। देखने जो बीमार पड़ रहे हैं वो सभी पैसे वाले ही तो हैं, बड़े लोग बड़ी बातें और क्या। ये तुम क्या कह रही हो, कोरोना वायरस में कोई जाति धर्म अमीर गरीब या स्टेटस नहीं होता, ये तो जरा सी लापरवाही या गलती से किसी को भी लग सकता है। आप भी कैसी बातें करती हो। रहने दे सारी बातें, मुझे तो ये मास्क लगाना जरा भी पसंद नहीं है और ये सैनिटाइजर भी मेरे को नहीं, जी घबराता है मेरा तो। क्या मास्क लगाना अच्छा नहीं लगता? नहीं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मास्क लगाना अच्छा लगेगा, सोच लो जरा। क्या हो गया इसमें? हाँ ला लगा ही देती हूँ, बाजार जाके तो निकाल ही दूंगी। इसको लगाकर ही रखना, निकालना मत। अगर हमसे प्यार और हमारी परवाह करते हो तो हाथों को भी सैनिटाइज करना। अच्छा। और मास्क को तो बिल्कुल निकालना ही नहीं है, और भीड़ का हिस्सा तो बिल्कुल बनना ही मत। अच्छा। दो क्या चार गज की दूरी बनाए रखना, ठीक है? ठीक है, और प्यार और परवाह मुझे नहीं होगी तुम्हारी तो और किसको होगी भला? हाँ हाँ आपको ही है हमारी परवाह, पर अभी इसकी डेफिनेशन थोड़ी बदल गई है। क्या? जो लोग अपनों से प्यार करते हैं परवाह करते हैं वो सिर्फ प्रशासन और सरकार की बात मानते हैं और कोरोना को भगाने में मदद करते हैं, ना कि कोरोना फैले ऐसी हरकत करे। अच्छा तुम तो इसके बारे में बहुत पढ़ी हो, इसमें और क्या क्या करना पड़ता है, थोड़ा समय लेके मुझे समझाना, अभी मैं सब्जी ले आती हूँ। नहीं नहीं जरा बैठो अभी बताती हूँ। क्या? आज हमारे स्कूल में थानेदार राय साहब आए थे, उन्होंने हम सबको बहुत सारी जानकारी दी थी, आपको भी बताऊं क्या उन्होंने क्या क्या कहा था? क्या कहा था राव साहब ने, थोड़ा मुझे भी तो बताना, आज तो पूरे पूरे महाभारत सुननी पड़ेगी तुम्हारी। समय बदल गया है, पहले माता पिता और बड़े बच्चों को समझाते थे, अब बच्चे माता पिता और बड़ों को समझा रहे, वाह रे कलयुग। ऐसा नहीं है, आप सुनो तो थानेदार साहब क्या बोल रहे थे। थानेदार साहब बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे थानेदार साहब? साथियों मैं थानाधिकारी राव जैसे आप सबसे निवेदन करता हूँ कि वर्तमान समय आपसे छुपा हुआ नहीं है, आज मानव जीवन संकट में है, तो कोरोना के इस काल में मेरा इतना ही निवेदन है कि सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, सभी मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हाथों को सैनिटाइज करें और बार बार धोएं। ये सब अब चीज़ें सिखाने लायक नहीं है या बताने लायक नहीं, अब हम सब इस चीज़ से अच्छी तरह से रूबरू हो चुके हैं और एक साल से ऊपर का समय गुजर चुका है, लेकिन आज भी मैं मार्केट में देखते हैं तो लोगों को मास्क के लिए हमें कहना पड़ता है और वो हमें चालान करना पड़ता है, सोशल डिस्टेंस के लिए कहना पड़ता है, और ख़ास करके बिना मास्क घूमने वालों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं की नहीं अपनों की जान भी और दूसरों की जान को भी आप खतरे में डाल रहे हैं, तो अब ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि अब आपको इसके लिए चालान करना पड़े, आपको समझाना पड़े, आपके खिलाफ सख्त कदम लेना पड़े। तो राज्य सरकार भी लगातार इस लॉकडाउन को बढ़ाती जा रही है कि कहीं ना कहीं लोगों में अनुशासन आएगा और अनुशासन से कहीं ना कहीं कोरोना कम होगा, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि कोरोना जिस गति से बढ़ा है और जिस गति से हमारी मृत्यु दर भी बढ़ी है तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी लापरवाही दर्शाई है, तो इसी लापरवाही का सबसे बड़ा कारण रहा है कि आज हम इस स्थिति में पहुँच गए हैं। तो व्यापार भी जरूरी है, सब चीज़ें जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हम अगर जिंदे रहेंगे और हमारे मानव जीवन सुरक्षित रहेगा तो हम आपके आगे हम बहुत कुछ कर पाएंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि आज वापस सरकार ने 25 तारीख से 8 जून तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जिसको त्रिस्तरीय का लॉकडाउन घोषित किया है, जिसके अंदर शुक्रवार 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक दुकानें
बंद रहेगी जो किराना की दुकान वगैरह, बाकी सभी संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा उसमें दूध और सब्जी को छोड़कर। तो कहीं ना कहीं ये सब आवश्यकता क्यों पड़ती है, कहीं ना कहीं लोगों में अब भी जो अनुशासन पकौड़ा चला गया था उसमें अनुशासन लोगों ने दिखाया नहीं है। इस वजह से इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि केसों में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें इतनी कमी नहीं हुई जितनी कमी होनी चाहिए थी इस लॉकडाउन से, उसका उसका रिजल्ट उतना नहीं आया। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि आप पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। अब आपको ये चीज़ें करने की आवश्यकता है कि आप स्वयं चलकर इस चीज़ों का पालन करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और लोगों को घर से बाहर निकलने से, मोहल्ले से बाहर निकलने से रोकें कि वे बेवजह बाहर नहीं घूमें। खास करके मेरे युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बेवजह इधर उधर घूमते हैं, आप अपने परिवार को वो थोड़ा संकट में डाल रहे हैं और स्वयं भी, क्योंकि आपके साथ कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं आप परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है। तो मेरा निवेदन है कि आप सभी इस मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप भी जागरूक हों और औरों को भी जागरूक करें, क्योंकि अब समय के साथ हमें बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि अगर 8 जून तक हमारी स्थितियाँ सही रही तो काफ़ी स्थिति में काफ़ी हद तक हमारे सागवाड़ा की क्षेत्र की और डूंगरपुर क्षेत्र की काफ़ी कुछ बदलाव हम देखेंगे और कोरोना की जो रफ्तार देखते से बढ़ रही है वो कम होगी और वापस से जीवन वापस दौड़ने लगेगा। तो मेरा पुनः निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से, और मैं एकता समाचार की टीम और सुषमा जी पंड्या और उनकी टीम का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई है कि मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस क्यों ज़रूरी है। तो उसका भी ज़रूर देखें और देखकर 100% कमेंट करें। कमेंट करने से कहीं ना कहीं लोगों में एक जागरूकता आएगी और इस कोरोना की रोकथाम में बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होगी। जय हिंद, जय भारत। सभी वैक्सीन लगवाओ, मास्क लगाओ, हाथ धो और दूरी बनाओ।